नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी लेकर, जो कि दोस्तों होने वाली है आलू की बेल से संबंधित। बेल से संबंधित मतलब ये कि अब इस समय जो समय आ रहा है वो ये है कि आलू की कटवानी है, ठीक है। जिन खेतों में आल बची है, जो मौसम से की मार से जो बच गई, जो खेत आप जो समझिए जो पाले की वजह से बच गए, जो खेत लेट ब्लाइट से बच गए, उन खेतों में अगर पाल है। और दोस्तों आल के अलावा जो आलू की बेल होती है उसके अलावा वैसा भी खरपतवार खेतों में बहुत हो जाता है जब बारिश हो जाती है, तो खतुआ है, बथुआ बड़ा बड़ा हो जाता है, पूरे खेत में एकदम झाड़ी जंगाड़ सा दिखाई देता है। तो उसको मारने के लिए लोग या तो खेतों में कटवाते हैं लेबर को छोड़कर, और लेबर को छोड़कर कटवाना खेत में उन लोगों के लिए तो ठीक रहता है जिन लोगों के खेत में जैसे 37-97 आलू बोआ है जिन लोगों ने, तो वो ज्यादा नहीं, अगर जौरे में से बाहर नहीं निकलता है वो, जैसे 26 इंची का बेड है आपने बना लिया है। वैसे तो आजकल लोग 48 इंची पे भी बुआई कर रहे हैं, मैं 26 इंची वालों की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जो ख्याति वगैरह आलू होता है वो दिखने लगता है ज्यादा पैदावार की वजह से, वो जौरे में दिखने लगता है, बाहर चमकने लगता है कहीं कहीं। तो जब लेबर ऊपर घूमती है तो क्या होता है वो आलू चमकने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आलू हरा हो जाता है, फिर क्वालिटी खराब हो जाती है, कुछ आलू खराब हो जाता है पैरों से रगड़ने से और इन सब चीजों से। तो उसके लिए क्या होता है कि लोग दवा लगाते हैं, तो दवा लगाने के लिए दोस्तों, और या बेड पे आलू बोआ हुआ है, कई सारा खरपतवार है वो मारना है, तो दवा कौन सी लगानी चाहिए आलू में, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो अगर वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी हमारे किसान हैं उनके साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो दवा लगती है, पहले तो ये किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, ये सिर्फ किसान भाइयों को जानकारी देने का लिए वीडियो है। इसमें ये नहीं है कि मैं इस कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ या आप लोग यही दवा लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी इस जो कंपनी से मिलती जुलती कोई भी अच्छी कंपनी की दवा जो मार्केट में बिक रही है उन दवाओं को आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इस दवा को लगाते हुए सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, और ये दवा कोई आलू का साइड इफेक्ट तो नहीं करती है। साइड इफेक्ट जैसे लोग कहते हैं कि लाल हो जाता है आलू, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शर्मा जी पैराकॉइड लगाने के बाद आलू लाल हो जाता है, तो दोस्तों ऐसा जो लोग लगाते हैं और या ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी मतलब हम हर साल दोस्तों बेचते हैं और भी दुकानदार बेचते हैं, और बहुत से लोग लेबर की इतनी बड़ी शॉर्टेज है इस समय कि लेबर मिलना मुश्किल है, और लेबर नहीं मिलती है दोस्तों तो क्या करें, दवा लगवानी पड़ती है, क्योंकि जो झुक के काटने वाला काम है तो इसके लिए लेबर बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे जो बेस्ट दवा है वो लगानी चाहिए आपको, मैं इसका टेक्निकल बता रहा हूँ, यह है पैराक्वाइट डाइक्लोराइड 24% SL फॉर्म में दोस्तों ये आती है, और ये होता है नॉन सेलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होता है दोस्तों, ये जहाँ पड़ेगी वहीं काम करेगी, आपका सिस्टम में नहीं जाती है दोस्तों। और इसको लगाने के लिए सबसे जरूरी है साफ पानी, ठीक है। तो मिट्टी में इसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो मिट्टी में आप ऐसे आइडिया लगा लो, अगर इसको आप आइडिया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर आपने ये समझ ली कि एक ड्रम में अगर दवा 200 लीटर का घोल एक एकड़ के लिए बना लिया, अगर इसमें आपने मिट्टी डाल दी तो ये दवा काम नहीं करेगी पूरी तरह से, तो इसलिए मिट्टी में जाकर ये निष्क्रिय हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता है। तो लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग के लाल पड़ जाता है शर्मा जी आलू पैराक्वाइट लगाने के बाद, तो इन ऐसे केसेस में कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि किसी ने दवा लगा दी किसान ने, तो उस पर लेबर की व्यवस्था नहीं हो पाई और दवा लगे हुए हो गए करीब एक महीना हो गया, 20 दिन हो गए, 25 दिन, तो ऐसे केसेस में कुछ किसान शिकायत करते हैं कि आलू हो जाता है लाल साइज के। बाकी दोस्तों जो बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कैसी शिकायत नहीं आती है, और इनसे क्या है कि लेबर कॉस्ट कम रहती है और लगने में आसानी रहती है, ट्रैक्टर वाली मशीन में भरो और लगा दो। इसकी डोज रहती है 1 लीटर दवा 1 एकड़ में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, और लगभग 200 लीटर 220 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए ले लीजिए, और 1 लीटर दवा उसमें घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। पानी आपको बिल्कुल साफ लेना है, ये नहीं है कि कहीं भरा हुआ है गड्ढे में या किसी गुल में भरा हुआ है या कहीं भरा हुआ है, उस पानी को आप ले लें तो वो काम अच्छा, दवा करेगी नहीं, आप जो समझ लो मारेगी नहीं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, हरा जो भी दिखाई देगा मतलब जो भी पौधे हैं आपके, कैसा भी खरपतवार, जरूरी नहीं है कि वो आलू की बेल हो, उसके अलावा बथुआ खतुआ जो भी खेत में हो वो सब इससे मर जाता है, बिल्कुल आपको खेत में दिखाई देगा नहीं और खेत एकदम साफ दिखाई देंगे दोस्तों। और ये दवा लगभग आप मार्केट में आप देखोगे तो ये लगभग इसकी कीमत वो होगी लगभग 350 से 400 रुपए के बीच में इसकी कीमत होगी, और ये आपको कई कंपनियों की दवा आ जाती है दोस्तों, जैसे ये मेरे पास धानुका की है, धानुका की ओजोन नाम से आती है, और जैसे बायोस्टेट कंपनी की उसकी भारत कंपनी की परक के नाम से आती है, और आपकी बायोस्टेट उसकी सॉरी बायोस्टेट की नहीं उसकी इंडोगल्फ की फायर के नाम से आती है, और बहुत कंपनियां हैं जो अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो इन दवाओं को दे रही हैं, और ब्रांडेड कंपनी की दवा ही दोस्तों इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत सी दवा ऐसी है मार्केट में जो 300 रुपए लीटर 350 से 300 रुपए लीटर वाली बिक रही है, जो वो हल्की कंपनियों की होंगी, वो ब्रांड कंपनियों की नहीं होंगी, तो उनसे बचें, अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की दवा खरीदें दोस्तों, जो कि गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं,
कौन सी कंपनी अच्छी है उसके, जिससे कोई भी नुकसान नहीं हो पाए। अगर आप अच्छी कंपनी की दवा लगाओगे तो कोई भी कैसा भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है दोस्तों, और काम भी बढ़िया करेगी, एकदम खेत साफ सुथरे मिलेंगे जब खुदाई होगी तब। और इससे दोस्तों इस बार क्या हो रहा है, एक चेंज है, इस बार किसान बहुत जल्दी ही अगर जिन खेतों में बेल साबुत बची है उन बेल को जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की तरह इस साल एक तो बारिश की वजह से खुदाई लेट होगी। खुदाई मोस्टली हमारे एरिया में दोस्तों लगभग 25 से 30 तारीख को जाएंगी खुदाइयाँ, उस समय फिर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, उसके बाद खेतों में इतना दागी आलू होता है, फिर कोल्ड स्टोर में जाकर आलू की जो दागी आलू है वो खराब होता है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्वालिटी खराब हो जाती है, ना साउथ के मतलब का रहता ना किसी बड़ी मंडी के मतलब का आलू रहता नहीं है दोस्तों। तो मैं काफ़ी भ्रमण करने के बाद और काफ़ी इन सब चीज़ों के बाद बहुत से खेतों में, अब जैसे किसी के खेत में पाले की वजह से आली खत्म हो गई है पहले ही, तो दोस्तों उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और अभी मेरी कल बात हो रही है कि लेबर कॉस्ट इतनी हो गई है कि पूछो मत, इससे बढ़िया तो दवा लगा दो एक लीटर और अपना ये खरपतवार का खात्मा हो जाए दोस्तों खेतों में से। और भी जो भी सावधानियां मैंने आप लोगों को बता दी, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप सभी किसान भाइयों को दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और मैं दोबारा इसका टेक्निकल कंपोजिशन बता देता हूँ दोस्तों, ये दवा है पैराक्वाइट डाइक्लोराइड 24% SL फॉर्म में, ये कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होता है दोस्तों, और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड कोई भी नुकसान करता नहीं है। और भी बहुत दवा मार्केट में बिक रही है, आप इनको नहीं लेना है आप लोगों को, पैराक्वाइट डाइक्लोराइड 24% SL फॉर्म में ही आप लोगों को अपने आलू की फसल में इसका छिड़काव करना है दोस्तों। और सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि उसके जो आल कटना है, जो कटवाना है आप लोगों को, उसके आप अगर लेबर आपके खेत में अगर आलू के ऊपर घूम रही है या आलू के झोरे पे घूम रही है, तो जो हाइब्रिड है मैंने बार बार बता रहा हूँ, पहले ही बताया, उसमें आपको चोटिल होता है आलू, फिर वो जाके दागी हो जाता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि दोस्तों कभी भी आप लेबर मानेगी नहीं, आप कितना भी अगर सामने खड़े होकर कटवा तो भले ही नाली में खड़े होकर चल के काटेंगे, नहीं तो वो ऊपर ही घूमते हैं दोस्तों, और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जिन लोगों के पास लेबर की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के पास, वो लोग पैराक्वाइट का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों, कोई बाध्यता नहीं है, अपने बुद्धि विवेक से काम करें किसान भाई, ठीक है ना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ।